हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो नीचे का जबड़ा जो होता है उसकी बीमारियां कैसे होती है और उसकी आपको रियल बोन भी दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारा जो निचला जबड़ा होता है ये हमारे स्कल से जुड़ा होता है, तो इसकी जो बोन होती है उसको मैंडिबल कहते हैं। ये देखिए मेरे पास ये जो है वो रियल मैंडिबल बोन है। ये स्कल की हमारी सबसे स्ट्रांग बोन होती है। ये यू शेप में होती है और इसके यू के ऊपर जो है यहाँ सारे दांत जो है हमारे अटैच्ड होते हैं। तो डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस बोन के अंदर सारा वर्क किया जाता है डेंटल प्रॉब्लम में। और इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो है कुछ उभार हैं, जैसे ये जो प्रोसेस है ये हमारा जॉइंट का प्रोसेस होता है। इसमें कुछ छेद हैं जिनसे डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकलती हैं। तो अब इस जो मैंडिबल बोन इसको बोलते हैं, ये हमारे बॉडी की जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, स्कल की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। तो इसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होती है जो जन्मजात होती है बच्चों के अंदर। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जो निचला जबड़ा होता है वो पूरा डेवलप नहीं होता। तो उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट एज के हिसाब से बच्चे के जॉ की सर्जरी करके उसको सही किया जाता है। इसके अलावा कई पेशेंट होते हैं जो एडल्ट पेशेंट है या बच्चे हैं, उनके अंदर निचले जबड़े के आसपास पेन होना, स्वेलिंग बन जाना, फीवर आना, पस पड़ना, ऐसी बीमारियां इन्फेक्शन में हो जाती है, जिनका एंटीबायोटिक से और कई बार चीरा लगा के इलाज किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की इंजरी के अंदर, अगर हमारे मान लीजिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी से झगड़ा हुआ है, तो इस पे निचले जबड़े पर कई बार चोट लग जाती है बहुत, तो इस बोन का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इस बोन के अंदर अलग अलग जगह पे फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये एंगल पे फ्रैक्चर हो सकता है, ये बॉडी का फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर ये प्रोसेस का फ्रैक्चर हो सकता है। तो इन फ्रैक्चर्स को डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाता है। तो अगर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या झगड़े के बाद नीचे वाली जो बोन के अंदर इरेगुलरिटी लग रही है, या हमारे दांत सही से बैठ नहीं रहे हैं, स्वेलिंग आई है, पेन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो आप इसका एक्सरे करवा के या एक्सरे ओपीजी करवा के, सीटी स्कैन करवा के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, और फिर उसको डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट से सही किया जाता है। जैसे कि कुछ डेंटल वायरिंग की जाती है, कई बार जो है वो डेंटल प्लेट्स लगाई जाती है जिनसे उस फ्रैक्चर को सही किया जाता है। कई बार इस बोन के आसपास कुछ ट्यूमर्स बन जाते हैं। जो लोग टोबैको च्यू करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर कई बार अंदर जख्म होने से बड़े बड़ी गांठ बन जाती है जिसको कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर होने से भी ये बोन का जो है वो पूरा जो है अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट इरोड हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। ऐसे केसेस में सर्जरी से कई बार इस बोन को जो है उस पार्ट को निकाल के और डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल बोन से या फिर बॉडी की डिफरेंट बोन से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो मैंडिबल बोन हमारे बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट बोन होती है, क्योंकि सारा चूइंग का काम यहीं से होता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी होता है, तो ये बोन का टेक केयर करना बड़ा जरूरी होता है। ओल्ड एज के लोगों के अंदर इस बोन की हाइट कम होने से दांत निकल जाते हैं, और उनके अंदर जो है कई बार ये हमारा ज्वाइंट होता है ये भी डिसलोकेट हो जाता है, तो कई बार पेशेंट का जो है माउथ ओपन रह जाता है। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाकर उसको सही करवाना होता है, और इस बोन का केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, सफाई रखते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, तो ताकि आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको इसका पूरा केयर रखना है। ओके, थैंक यू।